नमस्ते दोस्तों, आपका हमारी चैनल कुडोस क्रिएटिविटी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग अभी बाहर नहीं जा रहे, बच्चे अपने दोस्तों से नहीं मिल रहे, अपने स्कूल्स नहीं जा रहे, हम अपने परिवार से नहीं मिल रहे, दोस्तों से नहीं मिल रहे, जन्मदिन नहीं मना सक रहे और कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो उस समय में हम लोग बहुत बोर हो जाते, तो उस समय को व्यतीत करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ मजेदार खेल। जी हाँ, ऑनलाइन मजेदार खेल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, वही ऑनलाइन स्टडी में हम लोग एक और सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, वो है खेल यानी कि स्पोर्ट्स। उसको आप ऑनलाइन स्पोर्ट्स की तरह भी यूज कर सकते हो। तो चलिए, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए जल्दी से इस मजेदार खेल के बारे में जानते हैं। आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ एक चीज गेम शुरू करने से पहले करनी होगी, जो कि है आपको पहले अपने रूल्स सेट करने होंगे, आपको टाइम लिमिट सेट करना होगा, टीम्स बनानी होगी जितने के आप सदस्य हो, जैसे कि आपके परिवार के सदस्य कितने हैं, आपके दोस्त कितने हैं, अगर टीचर स्टूडेंट्स के साथ खेल रहे हैं तो स्टूडेंट्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको टीम्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और टीम्स रूल्स सब सेट करने के बाद हमें गेम में आगे बढ़ना होगा। तो चलिए हम अपने गेम की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको करना ये है कि आपके पास ऑलरेडी दो टीम्स होंगी और उसमें से कोई एक टीम का एक मेंबर कुछ अपने स्क्रीन को शेयर करके ड्रॉ करेगा। और उसके लिए आपको सबसे पहले सोच लेना कि आप क्या करोगे। आप कोई शब्द बनाओगे या फिर कोई वाक्य बनाओगे या कुछ मूवी का नाम दोगे, गाना दोगे, कुछ भी आपको जो भी है उसको आपको ड्रॉ करना है। चाहे तो आप पेपर ले सकती हो, व्हाइट बोर्ड यूज कर सकती हो और ड्रॉ करके सामने वाली टीम को बताना है उसके टाइम के लिमिट के आधार पर। और ये शब्द आप कहाँ से ढूंढ सकते हैं, आप चाहे तो आप डिक्शनरी वर्ड जनरेटर का भी यूज कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपके पास कोई तस्वीर पड़ी हो तो आप उस तस्वीर का भी यूज कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारे अगले खेल का नाम है जंबल वर्ड, अस्त व्यस्त शब्द या फिर उल्टे पुल्टे शब्द। इसमें आपको करना क्या है कि आप चाहे तो आप वर्णमाला दे सकते हैं, उसमें से 5 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द वगैरह पूछ सकते हैं। आप चाहो तो उल्टा शब्द दे सकते हो और उल्टे शब्द को सीधा बोलना कह सकते हो, या तो फिर रिक्त स्थान भरने वाले शब्द दे सकते हो, या फिर कोई इमोजीज दे सकते हो और वही इमोजीज में से आपको एक शब्द ढूंढना है, वैसा भी दे सकते हो। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। यहाँ मैंने कुछ वर्णमाला के अक्षर लिखे हैं, उसमें से आपको 5 अक्षर, 4 अक्षर, 3 अक्षर को ढूंढ के कोई शब्द बनाने हैं। और दूसरा आप कर सकते हो कि आप रिक्त स्थान दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कागज लिखा है और वही कागज में से मैंने ग और ज निकाल दिया है, उस तरीके से आप कुछ पूछ सकते हो। आप चाहो तो इमोजीज दे सकते हो, इमोजीज में से फूलों के नाम, फल के नाम वगैरह बता सकते हो, या तो फिर जैसे कि मैंने पिक्चर में दिखाया है वैसे आ और रा, आग और रा में से आगरा बन रहा है, वैसा भी आप कुछ देख सकते हो, या फिर जैसे कि मैंने उल्टा शब्द लिखा है आगरा का ही रा ग आ, वैसे ही आप कुछ और भी दे सकते हैं। उसके बाद बारी आती है स्मृति खेल यानी कि मेमोरी चैलेंज की। उसमें आप क्या कर सकते हो, आप कोई 1, 2, 3, 4, 5 नंबर में कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि नंबर्स दे सकते हो, अलग 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 शब्द दे सकते हो, अलग अलग वाक्य दे सकते हो और उसको उसी तरीके से बोलना है सामने वाली टीम को। इसके अलावा आप उसमें कोई चीज लेकर, कोई शब्द लेकर, कोई संख्या लेकर, ऐसा कुछ भी लेकर कोई एक एक पर्सन वो शब्द को बोलेगा और उसके सामने वाली टीम को उसी क्रमांक में जो व्यक्ति ने जो बोला है वही बोलना है, ऐसा भी आप खेल सकते हैं। अगर आप चाहो तो कोई नंबर, पर्टिकुलर नंबर पर आप क्लैप रख सकते हो, ताली बजाना जिसको कहते हैं, या तो फिर आप कुछ स्किप कर सकते हो या ऐसा कुछ रख सकते हो, जैसे कि आप जानती हो कि हम 1, 2, 3, 4 तो 5 पे कभी कभी क्लैप करते हैं, या फिर 6, 7, 8, 9, 10 और 10 पे कभी क्लैप करते हैं, या तो फिर हम लोग क ख ग घ फिर च को स्किप कर दिया, फिर छ, ऐसा सबको वन बाय वन बोलना है। इस तरह के खेल बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, बच्चों को खूब मजा आती है इसे खेल खेलने में। इस खेल में आप बच्चों को खेलने के साथ साथ उनकी पढ़ाई भी करवा सकते हैं, उनकी मेमोरी पावर भी बढ़ती है और बच्चे खूब खूब मजे लेके खेलते हैं। तो आप जरूर से ये खेल ट्राई कीजिएगा। हमारे दूसरे खेल का नाम है बिंगो।
जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग बिंगो गेम्स खेलते ही हैं, पर हम लोग यहाँ पे कुछ अलग करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग डालने वाले हैं कुछ शब्द, यानी कि आपको बनाने हैं राइमिंग वर्ड्स, यानी कि एक समान शब्द। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बनाया है ताला काला, तो वो हो गए राइमिंग वर्ड यानी कि एक समान शब्द। और अगर आप चाहे तो वाक्य भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है दूध जैसा सफेद, हाथी जैसा मोटा। उसके अलावा आप कहावतें दे सकते हैं, मुहावरे दे सकते हैं, जैसे कि मुंह में पानी आना। और उसके अलावा अगर आप चाहे तो कहावत में दे सकते हैं कि अंत भला तो सामने वाली टीम को पूरा करना है सब भला, उसी तरीके से। और हमारी अगली गेम है, बहुत ही आसान है, बहुत सारे बच्चे ये खेलते ही होते हैं अपने दोस्तों के साथ, और वो है फन रिडल्स यानी कि पहेलियां, जिसमें एक टीम को दूसरी टीम को पूछना होता है और दूसरी टीम को पहली वाली टीम से। ये तो बहुत ही आसान खेल है जो कि सब लोग जानते हैं। तो अब बारी है अपने अगले मजेदार खेल की। जी हाँ, ये है द ट्रेजर हंट यानी खजाने की खोज। यह खेल ज्यादातर बच्चों को बहुत पसंद आता है, बहुत सारे बच्चे बहुत मजे से खेलते हैं और वो बार बार वही खेल खेलने के बारे में बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। इस खेल में आपको करना ये होगा कि एक टीम दूसरी टीम को ऐसे 10 चीजें ढूंढने के लिए बोलेगी जो घर में आसानी से मिल जाए और आसानी से बच्चे या फिर बड़े ढूंढ पाए, और वो भी अपनी समय मर्यादा के अनुसार, यानी कि टाइम लिमिट खत्म होते हुए वो चीजें आपको 10 लानी होगी। तो हमारा अगला खेल है स्पिन द व्हील। ये सब लोग जानते हैं इसको कैसे खेलते हैं, बस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है जो कि मैं आपको बता दूं। इसमें दोनों टीम्स को अपने अपने व्हील्स बनाने होंगे, और अगर टीचर खेल रही है बच्चों के साथ तो टीचर को भी ऐसा एक व्हील बनाना होगा। उस व्हील पे आप अपनी मर्जी के अनुसार कुछ ऐड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जो कि मैं आई बटन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो फिर बस आपको वो पहिया घुमाना है, और जब वो स्टॉप होगा तो वो जो एक्ट आएगा वो एक्ट आपको करना है, या फिर जो भी चैलेंज आपको आए या डेयर आए वो आपको करना है और हमारा खेल खेलना है। अब बारी है क्विज यानी कि प्रश्नोत्तरी और टंग ट्विस्टर की। इसमें आप कोई एक विषय वस्तु को चुन सकते हैं और उसी विषय पर आप प्रश्न कर सकते हैं। आप चाहो तो तार्किक प्रश्न यानी कि लॉजिकल क्वेश्चंस ले सकते हो, सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस ले सकते हो, और अगर आप चाहो तो किसी शहर के बारे में, खेल के बारे में, इस तरीके से कुछ भी आप ले सकते हो। आप बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स हैं वो जो कि आप ले सकते हो, उसको आप 2 या 3 बार रिपीट करने के लिए बोल सकते हो, जैसे कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है, समझ समझ के समझ को ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे, इस तरीके से कुछ ले सकते हैं। अब मैं जो नाम बताने जा रही हूँ वो बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट गेम है, यानी कि नेम प्लेस एनिमल थिंग, जो बच्चे ज़्यादातर वेकेशन में अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ खेलना पसंद करते हैं, यानी कि नाम जगह पशु वस्तु वाला खेल। ये खेल बच्चों को बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है, पर इस बार दोस्तों के ना मिलने की वजह से बच्चे नहीं खेल पा रहे, पर कोई परेशानी नहीं, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये ऑनलाइन गेम। इसको खेलने का तरीका वही है, आप चाहे तो टीम में खेल सकते हो या फिर सिर्फ दोस्त मिलके भी खेल सकते हो। इसको खेलने के लिए आप और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो, यानी कि आप उसमें फल डाल सकते हो, फूल डाल सकते हो, सब्जियाँ डाल सकते हो, हीरो हीरोइंस के नाम डाल सकते हो, मूवीज के नाम डाल सकते हो, गाने के नाम डाल सकते हो, और इस तरीके से स्कोरिंग बढ़ाने के लिए और भी कुछ डाल सकते हो। चलिए हम अब जानते हैं अपनी अगली गेम का नाम, वो है सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी, और मेक अ सेंटेंस यानी कि वाक्य बनाएं। उसमें आपको क्या करना है, एक टीम दूसरी टीम को एक शब्द देगी, उसी शब्द पर आपको 2 से 3 समानार्थी शब्द देने हैं दूसरी टीम, और आप एक शब्द भी दे सकते हो और वो शब्द में आपको वाक्य बनाने हैं, छोटे या बड़े आप जो भी चाहो वो आप बना सकते हो। और हमारे मसालेदार और टेस्टी गेम का नाम है फायर कुकिंग यानी कि आग के बिना खाना बनाना। इसके लिए आपको करना है कि आपको एक पकवान यानी कि एक रेसिपी को रेडी रखना है, और उसको आपको एक टाइम लिमिट में ख़त्म करना है, लाइव बनाना है सबको एक साथ। अगर ये गेम
टीचर्स अपने बच्चों के साथ खेल रही है तो उनको उसके बाद उसका फोटो मंगवाना है और उसके प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग उनको विनिंग करना है, यानी कि उनकी घोषणा करनी है कि कौन जीता। और हमारा आखिरी और मनोरंजन से भरा खेल का नाम है फिल्म का नाम पहचान, यानी कि गेस द मूवीज नेम। इसमें आपको करना क्या है, आपको थोड़ी सी म्यूजिक बजानी है या तो फिर गाना दिखाना है, यानी कि गाना बजाना है, और उसमें से आपको उस फिल्म का नाम पता करना है। या आप किसी एक्टर का नाम दे सकते हो या फेमस डायलॉग बोल सकते हो और फिर उसको आपको पहचानना है। एक टीम दूसरी टीम को इस तरीके से कुछ देगी और आपको उसका नाम पहचानना है। इवन आप चाहो तो आप किसी हीरो हीरोइन का नाम बता सकते हो और उसकी कॉमेडी मूवी है, फैमिली ड्रामा है, वो भी आप बता सकते हो। आप यही वीडियो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, सो प्लीज चेक माय नेक्स्ट वीडियो इन इंग्लिश। चलिए दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह सारे खेल पसंद आए होंगे, आप उसको जरूर खेलेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ और अपने बच्चों के साथ। अगर आपको ये सारे खेल पसंद आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही बच्चों के लिए वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल कुडोस क्रिएटिविटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए, बाय बाय।